तेरे खुदा कुछ राह तो दिखा। मेरे लिए बहुत आसान था कि अभी खालिद के साथ साथ तुम भी पुलिस स्टेशन में होती, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ एक वजह से रहने दे रही हूँ और वो है मेरा बेटा हसन। मुझे वापस जाना है अपनी बच्चियों के पास, सुन लिया तूने? जरा देख के भाईजान, कुछ उसके खिलाफ बात मत करना, हसन बहुत ज्यादा अटैच्ड है उसके साथ। अच्छा, ताला देख के तुझे बात समझ में नहीं आती क्या? निकाल दिया मैं घर से। मेरे खुदा कुछ राह तो दिखा। तो ये थी तुम्हारी मासी शमीम की बेटी? जी। खुदा के लिए मेरा बड़ी हो जाओ प्लीज बेटा। मुश्किल काम बता रही हैं आंटी। और क्या? मारो मारो। तुम जानती हो ना इसकी वजह से कितनी मुश्किलें उठानी पड़ी हैं तुम्हें। अरे अम्मी जाने देना, वो वक्त गुजर गया है और ऑनेस्टली मैं इसकी वजह से बहुत सुकून में हुआ। नानू अब आप भी शहर को बुरा कह रही हैं। अरे ये बात तो आपको बताने ही भूल गई कि अरे बड़ा क्लोज है उसके साथ, बड़ी मजबूत दोस्ती है दोनों की, हम सबसे लड़ पड़ता है उसके लिए। नानू की जान ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे कह रही थी कि बहुत छोटी बच्ची है ना वो, और इतने छोटे बच्चों को काम नहीं करना चाहिए, है ना? Let it go, mama. Let it go. हाँ ठीक है, वो प्रेजेंटेशन तैयार होगी ना? ओके ग्रेट, बस मेक श्योर सब बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ठीक है, ओके बाय। हो गए आपके सारे ऑफिस के मामले हल? हाँ ऑलमोस्ट। चलें आप लेट जाएं, थके हुए होंगे। मेडिसिन ली तुमने? टाइम मैं ठीक हूँ, ऑनेस्टली आई डोंट फील लाइक टेकिंग इट। कम ऑन मीरा, तुम तो डॉक्टर हो, यू नो दीस थिंग्स, अपना कोर्स तो पूरा कर लो। ठीक है मैं ले लूंगी। अच्छा कल मैं क्लिनिक जाऊंगी। क्यों? बिल्कुल भी नहीं बाबा, एक सर्जरी है, मेरा वहां होना जरूरी है। लेकिन मीरा तुम्हारी तबीयत? पापा आई एम फाइन, आई प्रॉमिस। अच्छा ठीक है, लेकिन सर्जरी करके फौरन घर वापस आना। ओके चलो गेट सम रेस्ट। क्या अरे नहीं रखना उसे, मैंने तो नहीं रखना कह दिया मैंने। मैं ऐसे कैसे, कहां लेके जाऊंगा उसको मैं? इसे भी आग में झोंक दे और खुद भी छलांग लगा दे। बुरे होटल, माँ के सारे अरमान रख कर दिए तूने। बात तो आप ऐसे कर रही हैं जैसे हम बड़ी नवाबों की औलाद है ना। तो क्यों इतनी नफरत करती है उससे? अरे नवाबों की औलाद नहीं थे लेकिन किसी का गंद भी साफ नहीं करते थे। देखिए ना, या तो अपनी माँ को चुन ले या इस मैली मासी को। ऐसा तो ना कर। क्यों ना करूं ऐसा? करूंगी, हजार बार करूंगी। तूने हमारे साथ अच्छा किया है क्या? देख इमरान, गलती जो तुझसे होनी थी वो हो गई, अब इस गलती को ठीक भी किया जा सकता है। माँ मैं प्यार करता हूँ उससे। ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता, अमीरों के ढंगोसले हैं, ढंगोसले भरे पेट के चौंचले हैं ये, बस कर। देखिए मला, इन दिनों हमारे घर में आया भी कोई नहीं है, किसी ने नहीं देखा इस मैली मासी को।
मतलब? मतलब? मतलब साफ है, दे इसे तलाक। तो खुदा का खौफ करो अम्मा, कर दूं उसकी जिंदगी खराब मैं? घर में कोई खिलौना लेकर आया हूं मैं? और मेरे बारे में भी तो सोच ना, मैं कैसे रहूंगा उसके बगैर? मोहब्बत करता हूँ मैं उससे। अरे कुछ नहीं होगा उसे, ऐसी लड़कियां सिर्फ दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करती हैं, अपनी नहीं होने देती। गंद साफ करते हैं अम्मा, लेकिन शुक्र है हमारे जहरों में इतना गंद नहीं है। तो चुप कर। देख, देख इसे कैसे इसकी जुबान चल रही है। मैं तुझे बता रही हूँ इमरान, अभी के अभी, अभी के अभी इसे तलाक दे। मेरे सबर का बहुत इम्तिहान हो गया इमरान। मैं बात कर रहा हूँ ना, तू चुप करके बैठ। तू बात कर रही है, तलाक के प्रोग्राम बना रहे है। कैसी माँ है, अपनी बेटी का खुद घर उजाड़ रही है। उजाड़ नहीं रही बेटे का घर, बल्कि बचा रही हूँ। तेरे जैसे गंदे खून को कभी भी अपने बेटे में शामिल नहीं होने दूंगी। खुद सुन ले इमरान, कैसे जवाब दे दूं मैं इसको? मेरे बेटे को छीन लिया मुझसे, जबान चलाती है मेरे सामने। साइम, साइम जानू उठ जाए, 8 बज गए हैं, देर हो रही है आपको। टाइम क्या हुआ है? 8 बज गए हैं, जल्दी कर ले। ये ले, मैंने आपके लिए चाय बनाई। खुद बनाई है? और किसने बनानी थी? सहर। क्या मतलब? रोज चाय वही बनाती है ना, आज तुमने तकलीफ क्यों की? नहीं, वो सो रही थी तो मैंने उसे उठाना मुनासिब नहीं समझा, और वैसे भी आपको मेरी हाथ की चाय पसंद है तो मैंने बना ली। इतना ख्याल है मेरा? ये तो एक बीवी का फर्ज होता है, अपने शोहर की हर चीज का ख्याल रखने का। इसमें कोई स्पेशल बात तो नहीं है? किसी बात का क्रेडिट तो लेना नहीं ना जनाब ने। चलें आप जल्दी से रेडी हो जाएं, देर हो। और सुने, मैंने आपके लिए एक शर्ट लिया, तो जो आप तैयार होंगे ना वही पहन लेंगे। कमाल है भाई, इनकी नफरत ही खत्म नहीं होती। मासी का ये मतलब मैं इंसान नहीं हूँ। हाँ हाँ, तू इंसान है, गुस्सा नहीं कर। मीना मेरी बात सुन, हम चलते हैं ना बाहर, चलते हैं ना। तुझे जाना था ना बाहर अपनी वो बाजी के यहाँ, जहाँ तेरी माँ काम करती है। जाएंगे जाएंगे, हम जाएंगे। तू बस गुस्सा नहीं कर, तू तू आराम से बैठ जाए, यहाँ बैठ जाना। कहाँ चले गए थे तुम लोग? मुझे यहाँ छोड़ने के बाद किसी ने मुड़कर भी नहीं देखा। क्या मतलब? अम्मा अब्बा कहाँ हैं? पता नहीं, अम्मा उस रात मुझे यहाँ छोड़कर गई, उसके बाद पता नहीं कहाँ हैं। मुझे तो लग रहा है गांव ही चली गई होगी। क्या? हाँ इमरान भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तो कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो क्या बाजी को भी नहीं पता कि अम्मा कहाँ है? किसी को भी नहीं पता। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि डरकर गांव चले गए। और तुझे पता है, खालिद वाला मसला हल हो गया है, बाजी ने हल करवाया है। वाकई? हाँ। तू बातें कर, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। ठीक है। सहर। बाजी, ये मेरी बहन है समीना। अच्छा, चलो शुक्र है तुम्हारा कोई तो है। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ बाजी। हाँ भाई, किधर गायब हो तुम लोग? ना तुम्हारी कोई खबर, ना तुम्हारे माँ बाप की। भूल गए क्या अपनी बहन को? शमीम किधर है? बाजी अम्मा का ही तो पता करने आई हूँ, आपको पता ही है मेरे साथ जो हुआ है। रात के अंधेरे में इसे छोड़ के चली गई थी, उसके बाद हम किन किन चीजों से गुजरे हैं तुम्हें अंदाजा भी है, और तुम कह रही हो कि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं। बाजी काश पता होता, अम्मा तो इतने सालों से आपके पास काम कर रही हैं, इतना तो आपको भी पता होगा कि अगर कोई बहुत बड़ा मसला ना होता तो अम्मा इस तरह हमसे दूर ना होती। घर पर भी ताला है और नंबर भी सब बंद है। फोन तो सब घर पर ही छोड़ आए थे ना। खैर, पता करो भाई तुम्हारे माँ बाप कितने। जा रही हूँ।
तू चल, मुझे तुझसे बहुत बातें करनी है। अच्छा आ गया। अच्छा तो अम्मा इसलिए तुझे लेकर भागी थी, इस कमबख्त को हम में से कोई एक ना एक चाहिए होती है। बाजी बता रही थी पुलिस में खूब मार पड़ी है उसको। बहुत अच्छा किया, लेने के लिए यहाँ तक आ गया। अच्छा छोड़ ना, दफा कर, तो अपना बता इमरान कैसा चल रहा है तेरे साथ? इमरान तो ठीक है, लेकिन उसकी अम्मा ने हमें अभी तक कबूल नहीं किया, शायद अलग घर लेना पड़े। रोज रोज के तमाशे ही खत्म नहीं हो रहे, कहती है क्या कूड़ा साफ करने वाली को घर उठा कर ले आया। बहुत अच्छा, खुद तो जैसे किसी रईस की बेटी है ना, सुना दिया करना। मेरे साथ होना ही था, या मैं उस खालिद के हाथ बिक जाती या फिर ये। और यकीन कर ये जिंदगी ना उस अजाब से बहुत बेहतर है। जी बता कि अम्मा अब्बा तक इतला कैसे पहुंचाए? सुन तुझे करीम दादा के घर का पता है, तू जा सकती है वहां। ताया करीम, जिंदगी के मसले हल होंगे तो ही वक्त होगा ना मेरे पास, वैसे मुझे उसके घर का रास्ता भी नहीं याद। अच्छा छोड़ दफा कर, तो अपना देख भूल जा। और मुझे तो ये बता कि यहाँ पे सब सेट है? सब सेट है? यहाँ आने के बाद क्या क्या हुआ है मेरे साथ मत ही पूछ। क्या हुआ? लेकिन इनका भी कसूर नहीं है, कोई अपनी औलाद ऐसे किसी और के घर छोड़ जाए और फिर पूछे भी ना, ये तो होता ही है। लेकिन एक बात तो तय है, ये लोग मुझे घर से नहीं निकालेंगे। मैं तो खुद शादी के बाद अब घर से निकली हूँ, क्या सोचा था और क्या हो गई है जिंदगी। सहर, सहर कहाँ हो भाई? ये कौन है? दादी ये मेरी बहन है समीना। अच्छा तो गुमशुदा लोगों का सुराग मिल गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। निकला है गड़े मुर्दे कब्रों से? जी जी क्या माँ कहाँ है तुम्हारी? मैं तो खुद ये पूछने के लिए बाजी के पास आई हूँ। क्या बात है भाई, क्या कहने हैं तुम लोगों के, औलाद को माँ बाप का पता नहीं है। और देखो हमारे लिए एक मेहमान काफी है, अपनी माँ को भी यहीं ढूंढने के लिए आ गई तुम? उसको तुम अरसे से ढूंढ रहे हो, मिल तो जाए वो मुझे। जी जी क्या तुमने घर से भाग के शौहर तो ढूंढ लिया ना, माँ को भी ढूंढ लो। लगता है सबको ही घर से भागने की आदत है। अम्मा ये कैसी बातें कर रही हो आप? तो किस तरह से कह, मैं तो इंतजार कर रही थी कि इसके घर वालों में से कोई मिल तो जाए मुझे। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे इसको मैं यहाँ छोड़ के गई हूँ। अच्छा देखो हमारा घर है यहाँ, हर किसी का हक नहीं है कि मुंह उठा के चला ठिकाना ढूंढने के लिए, समझी ना तुम। और अपने बिरादरी वालों से कह दो कि हमने जान पे खेल के तुम्हारा मसला तो हल करा दिया ना, तो अब क्या है। और तुम्हारी माँ तो आएगी नहीं, बहन तो मिल गई है ना, जाओ उसके साथ वहीं रहो, सामान बांधो अपना और निकलो यहाँ से। नहीं मैं तो खुद इतनी मुश्किल से अपने घर पे रह रही हूँ। खुदाया तुम लोगों के हीले बहाने कोई हद्दो हिसाब ही नहीं है। ठीक है मैं मीरा से बात करूंगी, लेकिन तुम इसका पता ले लेना वरना मासूमिया से कह दोगी मुझे तो मालूम नहीं है। जी सुन लेगा कोई। अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ अब। सुन ना मुझे अपना नंबर तो देके जा। वही वाला नंबर है, तुझे याद तो है। खुदा हाफिज़। अपना ख्याल रखना। मुझे पता था, मुझे पता था यहीं आकर छुपोगी तुम। क्या हुआ दादी? ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं, समझ गई? ये तुम ये बताओ तुम समीना के घर पर क्यों नहीं रह सकते? तुम लोगों के क्या सबके अलग अलग कमरे होते हैं? जहां वो लोग सोते हैं वहीं पढ़ के तुम भी सो जाओ।
मैं वहां कैसे रह सकती हूँ? उनके घर के हालात ठीक नहीं है। हाँ, तो जो लड़कियां घर से भाग के शादियां करती हैं, उनके साथ यही होता है। उनको क्या इज्जत मिलेगी उनके घर में? ऐसा टकासा जवाब दे दिया मुझे। हम तो बड़ी मुश्किल में हैं। सारी मुश्किलें तुम ही लोगों के लिए रह गई हैं। अरे मजलूम हमें मिलने थे। कहाँ रख देती है चीजें? अम्मी, अम्मी। हाँ क्या हुआ बेटा? वो अम्मी मेरी एक फाइल थी ब्लू कलर की, मीरा ने पता नहीं कहाँ रख दी। देखिए आप। नहीं कहीं होगी बेटा, जाएगी कहाँ? मैं बुलाती हूँ शहर को। शहर, इधर आके ढूंढ के तो दो। इधर आओ। जी दादी। साइम की फाइल नहीं मिल रही, इधर ढूंढ के दो बेटा, जल्दी से। वो एक ब्लू कलर की फाइल थी, मीरा ने पता नहीं कहाँ रख दी। देखिए तो। नीले से रंग की? हाँ हाँ। मैं अभी देखती हूँ। फोन भी नहीं उठा रही। साहब ये तो नहीं। अरे वाह, तुमने ढूंढ ली। हाँ यही है। वेरी गुड भाई, इस पे तो तुम्हारा इनाम बनता है। ये लो। नहीं नहीं साहब, दादी माँ देखेंगी तो बहुत गुस्सा करेंगी। दादी माँ देखेंगी तो ना, ये तो मेरे और तुम्हारे बीच की बात है। रख लो, ये भी ले लो। गुड जॉब। मम्मा आप ना अपनी वॉक शुरू कर दें। मेरा घर के कामों के बाद मैं इतना थक जाती हूँ कि वॉक करने की हिम्मत ही नहीं होती। हिम्मत करने की कोशिश करें, मसला हो तो मुझे बता दीजिए। ठीक है। हाँ भाई, तो हो गई मेरी बुराइयाँ? ऑफ कोर्स, और नहीं तो क्या, क्यों ना करें हम। जरा बातें सुनो इसकी। मीरा अब इसको प्लीज तुम समझाओ, बहुत हो गया, शादी कर ले अब। ये बोलो ना इसे। मम्मा सही कह रही है, समझ मान जाओ। अच्छा ना अम्मी, जैसा आप लोगों को ठीक लगे वैसा कर लें। चलें तो फिर आप बताएं, आप जैसा कहेंगी वैसे ही होगा। अच्छा तो फिर ठीक है, वो हुमा की अम्मी ने एक रिश्ता बताया था, तो क्या बुला लूं उन लोगों को? ऑफ कोर्स बुला लें। और मैडम प्लीज मेरी प्यारी अम्मी को तंग करना बंद कर दो। अच्छा ना अम्मी की चमची, बहुत हो गया, अब क्या लिख कर दूं तुम्हें? प्लीज। तो इसी वीकेंड बुला लेती हूँ। हाँ डन, परफेक्ट। बाबा आई एम सो सॉरी, मुझे इतनी देर हो गई। अपॉलॉजी नॉट एक्सेप्ट। आपने भी तो इतनी देर से बताया कि आपको वॉक पे जाना है, लेकिन अब आ गई हूँ ना। बताएं क्या काम है? क्या मतलब क्या काम है? बस मैं देख रही हूँ काफी दिन से, क्या मेरा बहुत ख्याल रख रहे हैं, तो शायद कोई काम ही होगा। लो, एक शरीर था आदमी अपनी बीवी को वॉक पे भी नहीं देख रहा। आप और शरीफ। ओके यार, एक तो तुम होते हो, मर्दों के पॉजिटिव एक्शंस को भी एक नेगेटिव नाम ही देते हैं। जैसे कि? जैसे कि जिद्दी। मतलब डार्लिंग तुम ये भी तो कह सकते कि मेरी मुस्तकिल मिजाजी। आपसे सीखेगा तो बहुत आगे जाएगा। अरे वो अमजद भाई का फोन आया था, तुझे तो कह रहे थे बारबेक्यू रखा करते, तो आई सेड वी कम। ओके, साउंड्स लाइक फन। शहर, जी साहब जी, वो खाना लगा देना मुझे। जी बाजी नहीं आई? नहीं, वो वहीं से क्लिनिक चली गई थी। क्या है खाने के लिए? आलू गोश्त। तो हम शायद भाई को बुला लेते हैं, अम्मी को बुला लेते हैं, एंड लेकिन शायद भाई को याद से बुलाना है। हाँ, उनका शुक्रिया भी अदा हो जाएगा, बहुत हेल्प किया उन्होंने हमारी।
अच्छा मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी ना, वो सुबह मिले आइएगा। अरे भाभी के में कौन सा इतना टाइम लगता है? खाने वालों को यही लगता है। अच्छा फिर पूरी लिस्ट दे देना, बाद में ये मत कहना कि ये रह गया फला नहीं आया। बस आप खुद ही आ जाइएगा, बाकी सब हम देख लेंगे। अच्छा एक अच्छी सी खूबसूरत सी चाय तो पिला दो। मुझे तो अम्मा अब्बा के पास ले चले। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अगर तेरे अब्बा ने तुझे देख के कुछ उल्टा सीधा बोल दिया और वो तेरी माँ अगर कोई हंगामा खड़ा करके बैठ गई तो? नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगी। जमी अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटियों का ख्याल रख। हेलो मेरे खुदा, कुछ रहा तो दिखा। बाजी आप क्यों चाय बना रही है, मुझे बता देती। अरे नहीं नहीं सैम को बस मेरे हाथ की चाय अच्छी लगती है। अच्छा कल दावत है घर पे? हाँ जी। तो मैं तुम्हें गाइड कर लूंगी, तुम सारा कुछ कर लेना। आप फिक्र ना करें मैं सब कर लूंगी। चलो ये तो अच्छा हो गया, चलो तुम जाओ यहाँ से। भीगी भीगी रातों में फिर तुम आओ ना, चाय में चीनी मत डाल, तुम बना रही हो ना तो वैसे ही मीठी होगी। मामा मेरा होमवर्क कंप्लीट हो गया, आके देख लें। अब आप चीनी डाल दीजिएगा। हाँ क्या यार, आप ये रोमांस भी नहीं कर सकता। बाबा आप इतने जल्दी क्यों नाराज हो जाते हैं? तुम्हें कभी किसी ने इग्नोर किया है? मैंने आपको कब इग्नोर किया? मैं कर भी कैसे सकती हूँ? हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन बाबा मैंने आपको इग्नोर किया कब? मीरा मुझे पता है तुम जानबूझ के कुछ नहीं करती, लेकिन जो मोहब्बत करते हैं उन्हें टेंशन की जरूरत होती है यार। जानू हसन को भी तो मेरी टेंशन की जरूरत है ना, वो बच्चा है वो नहीं समझ सकता। आप तो फिर भी बड़े हो, आप समझ सकते हो ना। हर किसी की अपनी जगह होती है यार, उसकी अपनी जगह है और मेरी अपनी। इसका ये मतलब थोड़ी है कि मेरे हिस्से की टेंशन किसी और को दे देता हूं। Just forget it. बस कर बैठ जा, कब से यहां वहां टहल रही है, तुझे देख के मेरे सर में दर्द शुरू हो गया। देख इमरान, जो अम्मा अब्बा की बहुत फिक्र हो रही है, पता नहीं वो लोग किस हाल में होंगे। क्यों हो रही है परेशानी? आज तक पलट के पूछा है तुझे उन्होंने? तो क्यों पलट के पूछेंगे, मैंने कोई बहुत सर फखर से बुलंद करने वाला काम किया? कोई गलत काम नहीं किया तूने, बिल्कुल ठीक किया है। कम से कम तू यहाँ पे तो है मेरे पास। देख इमरान मुझे तू अम्मा अब्बा के पास ले चल।
तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अगर तेरे अब्बा ने तुझे देख के कुछ उल्टा सीधा बोल दिया और वो तेरी माँ अगर कोई हंगामा खड़ा करके बैठ गई तो? नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगी। और मेरी माँ, उसे कौन संभालेगा? हम तेरी माँ को नहीं बताते ना। तू जानती नहीं मेरी माँ को, वापस आने के बाद 100 सवाल पूछेगी। तो अगर बता दिया तो वो जाने ही नहीं देगी। तो क्या करूं मैं? देख जैसा मैं कह रही हूँ वैसा कर ले। ठीक है मैम, मेरी बात सुन, अम्मा जब दोपहर को सोएगी ना तो हम लोग चुपचाप निकल जाएंगे, लेकिन वहां ज्यादा देर तक रुकने का नहीं, फौरन वापस आने का। हाँ ठीक है, मुझे बस मेरे माँ बाप को देखने आखिरी दफा और अपने किए की माफी मांगनी है। आज रात ये वाला पहनना। लेकिन बाजी ये तो बहुत खूबसूरत है और बिल्कुल नया भी लग रहा है। है ना? साइम लाए थे मेरे लिए। तो फिर इसे आप रखे ना? अरे नहीं नहीं तुम पहनो, बहुत दफा पहना है, दिल भर गया। शुक्रिया। कोई मसला। अच्छा सुनो, आज रात हम बहुत जल्दी जल्दी काम करेंगे, ठीक है? फटाफट सब कुछ। आप फिक्र ना करें, सब हो जाएगा। चलो गो। यार समीना तू कब तक नाराज रहेगी मुझसे इस तरह? माना कि अम्मा तुझसे बात नहीं कर रही, तुझे कबूल नहीं कर रही है, लेकिन इसमें मेरा कसूर क्या है? मैंने तुझे आगाह किया था ना, बताया था ना कि ये हालात होंगे। देख इमरान, अब तेरी माँ मुझे कबूल करे या ना करे इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उसने मेरे और मेरे घर वालों के बारे में कोई बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं बता रही हूँ तुझे ये बात। हल्के बोल, हमसे दोबारा फसाद खड़ा करेगी घर पे, जानती है ना अम्मा को, और उनके कानों में आवाज गई तो ये 2 पल जो मिले सुकून के ये भी हराम हो जाएंगे। मेरा सुकून जा चुका है इमरान, तेरी माँ ने सारा सुकून छीन लिया मेरा। करूं क्या मैं? तू ही बता क्या करूं मैं, सारे हरबे इस्तेमाल कर चुका हूं, लेकिन अम्मा के दिल में तेरी नफरत बढ़ती ही जा रही है। लेकिन मुझे उम्मीद है, उस रब पे उम्मीद है मुझे, तो देखना एक ना एक दिन हम तुझे जरूर कबूल करेंगे। वो दिन कभी भी नहीं आएगा, मेरे मरने के बाद भी नहीं आएगा। मरे तेरे दुश्मन, अभी तुम्हारी शादी हुई और तू जुदाई की बातें कर रही है, तो बस अपने गुस्से पर काबू रख, बाकी तू मुझ पे छोड़ दे, मैं वादा करता हूं सब ठीक कर दूंगा। एक काम करता हूं, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म हलवा पूरी लेकर आता हूं। तू रहने दे, तेरी माँ को पता चला ना तो फसाद खड़ा हो जाएगा, तुझे गाड़ देगी वो जमीन में। उन्हें थोड़ी पता चलेगा, इतने सवेरे थोड़ी जागती हैं वो। तू बस कुंडी खोली रखियो, मैं यूं गया और यूं आया, ठीक है? अस्पताल ले चलते हैं जमील, बुखार बहुत तेज है। कैसे जाएंगे अस्पताल? अस्पताल वाले तो जेबें काटते हैं, इतने कहाँ है हमारे पास। वो जान से ज्यादा कुछ नहीं होता जमील, थोड़ा मैं मिला देता हूँ, ले चलते हैं जमील को। बशीर भाई रहने दे, किस्मत में हुआ तो ठीक हो जाऊंगी। हाँ तू याद कर मौत को, आगे मरे हुए ऊपर से मौत को याद कर रही है। कोई नहीं जमील भाई, बीमारी में बंदा मायूस हो ही जाता है, खैर है। जमील अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटियों का ख्याल रखना। बस हो गई शुरू? परेशान मत हो, अल्लाह पाक सब अच्छा करेगा। पता नहीं अल्लाह ने क्या लिखा है, मैंने तो घर जाने का सोचा
मगर अल्लाह ने तो बिस्तर से ही लगा दिया। तैयारी अभी से शुरू कर ली? हाँ, वो बाजी ने कहा तो इसलिए। अच्छा, यानी सारी बातें बाजी की मानोगे? आप किसी काम से आए थे? नहीं। हसन कहाँ? हसन अपने कमरे में होगा। कैरी ऑन। अरे भाई, अब आजकल पहले जैसा मेलजोल कहाँ रहा? वैसे ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, वक्त ही नहीं है लोगों के पास। तो और क्या, मेरी जिंदगी इतनी मसरूफ हो गई है, कहाँ लोगों के पास एक दूसरे के लिए वक्त है। बिल्कुल नहीं है। मीरा बेटा, खाना लगवा लो, बहुत भूख लगी है ना, लग रही होगी ना सबको। बहुत ज्यादा। अरे लेकिन आपकी प्लेट तो खाली है। मैंने तो बहुत खाया, बल्कि शायद मुझे कब से लुक्स करवा रहे हैं कि बस करो कितना खाओगी। शायद भाई मेरे दोस्त को मत तंग कीजिए। तुमने खाया? नहीं, मेरी तो देख देख कर ही भूख उड़ गई है। वैसे तैयारी बहुत अच्छी की है। शुक्रिया। कुछ लो ना, प्लेट पकड़ो। जी। भाभी बाद में तो कोई डिस्टरबेंस नहीं हुई ना? नहीं शायद भाई, थैंक यू सो मच, अब बड़े वक्त पे काम आए। जमानत तो उनकी हो गई है, लेकिन हमने इतनी खातिर मदारत कर ली उनकी कि गलती से भी आपके घर की तरफ नहीं देखेंगे। चले? बिल्कुल चले। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जरूर आइएगा आप लोग। जी इंशाल्लाह जरूर है। थैंक यू शाहिद। थैंक यू। सब अच्छा हो गया? कहाँ है यार? भाई खाना तो बहुत जबरदस्त था भाई। Well done. Thank you for coming. All the best. Lovely. Yeah. Thank you. Thank you for coming. Thank you very much. Please don't be a stranger. Come. आज रखें, जरूर आएंगे। अब चलो ये समझ लो। Thank you. Oh, success. I'm so glad. Well done. Well done. Bravo. बहुत अच्छा। शायद भाई की मिसेज बहुत अच्छी नेचर की है ना? बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, जिंदगी से भरा हुआ। अरे आप क्यों काम कर रही हैं? मासी को बुला लें। अरे वो बेचारी सुबह से लगी हुई है, कितना काम करेगी अकेला। वैसे एक बात है, मासी आपने बहुत मॉडर्न रखी हुई है। बस मैं तो शुक्र अदा करती हूँ कि ये साफ सुथरी है। तो सुनो, मैंने उसे कहा है कि वो कुछ चीजें पैक कर ले, अपने साथ ले जा। बस भी कर दें आप, इतना सब कुछ तो खा लिया है, अब घर पे क्या लेकर जाएंगे। बस थैंक यू। अपनी बहन के घर आई हो, खाली हाथों नहीं भेजो। वाह भाई। अच्छा चल इसे मूव कर लेते हैं। बाबा आपकी चाय? हाँ थैंक्स।
Mom, I'm so happy. Sabko itna maza aaya. Everyone loved everything. Zahir hai, enjoy kyun na karte? Itni zabardast arrangement jo ki thi tumne. नहीं नहीं मैंने इतना खास कुछ भी नहीं किया. मैं तो बस शहर को बता रही थी करना क्या है. सब कुछ तो उसी ने किया. जाहिर है वही करेगी. किसी काम के लिए तो रखा है उसे करते. जारी थक जाती है काम कर कर के. अभी भी हसन को सुला रही है. पता है मैं तो उस वक्त से डर रही हूँ जब ये हमारे साथ नहीं होगी. हसन इससे इतना अटैच हो गया पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा. क्या मतलब हमारे साथ नहीं होगी और कहाँ जाएगी. घर तो है नहीं उसके पास और माँ बाप का भी इतना पता नहीं. एक ना एक दिन तो शमीम से वापस बुला ही लेगी. खैर जब की तब देखी जाएगी. वैसे काफी थक गया हूँ. I think I'm gonna change, हाँ? Okay, ठीक है. मैं बस एक दो चीजें देख के आ जाऊँ. आप कुछ है क्या? नहीं, I'm good. Okay. तो फिर मैं बुलवा लूं उनको. किसको अम्मी? तुम्हारे लिए रिश्ते वालों को और किनको? बाजी जी, वैसे कल सब कुछ बड़ा अच्छे से हो गया था ना? हाँ अच्छा गया. सब तारीफ कर रहे थे. सहर जरा फोन चेक करना. जी हेलो. तुझे कैसे पता चला? घर का सारा सामान वो कहाँ गया? और मेरा फोन मिला? सहर, खैरियत? वो समीना का फोन था. मालिक मकान ने सामान घर से बाहर फेंक दिया और घर को ताला लगा दिया. Oh my God. अम्मा का भी पता नहीं चल रहा. कैसे बयां करें लम्हे जो गुजरे दिल के गमों से हम कैसे उभरे.